पूजा कमेटी, ये हमारा 30 साल हो गया है पूजा, 30th ईयर्स मना रहे हैं हम लोग काफी हर्षोल्लास के साथ। दो साल हम लोग COVID-19 के चलते हम लोग नहीं कर सके ठीक से, लेकिन फिर पूजा उसी लय पे पकड़ लिया है और काफी हर्षोल्लास के साथ 5 दिन का पूजा है। हमारा मेन स्पेशलिस्ट हम लोग हैं प्रतिमा के लिए, क्योंकि 22 फीट का प्रतिमा रहता है यहाँ पे, और कारीगर जो है हमारे बंगाल से आते हैं, पंडाल भी सब बंगाल के कारीगर, कृष्णनगर के कारीगर काम करके गए हैं। और प्लस हम लोग का मेन हम लोग का अट्रैक्शन रहता है भोग का, फ्री भोग डिस्ट्रीब्यूशन डेली 4 डेज हम लोग का रहता है फ्री भोग, और काफी लोगों का योगदान रहता है। पंडाल किस थीम में बनाया गया है? पंडाल में चटाई और जूट से बना हुआ है, ये हम लोगों का टेम्पल एक्ट है बेंगलोर में, उसी टेम्पल को हम लोगों ने नकल किया है और जूट और चटाई से बनी हुई है। और डेली कल्चरल प्रोग्राम होता है यहाँ पे, जैसे कल पंकज जी लोकल आर्टिस्ट थे, बहुत ही अच्छा प्रोग्राम देखे गए, आज भी है लोकल आर्टिस्ट लोग का प्रोग्राम है, लोकल आर्टिस्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है बच्चों का कार्यक्रम जो है हम लोग लेके चलते हैं एक दिन, जैसे 26 साल बच्चों का कार्यक्रम है, दोपहर 2:30 बजे से हम आर्ट कॉम्पिटिशन करेंगे, और उसके बाद में जैसे 200 बच्चे जिसमें भाग लेते हैं, काफ़ी बड़ी मात्रा में होती है आर्ट कॉम्पिटिशन, बच्चों को बढ़ावा देना हम लोग का मेन मकसद रहता है। और इसी तरह हमारा मेन इमर्शन बहुत ही अट्रैक्शन रहता है, ये हमको लगता है कि जमशेदपुर के लिए ये नंबर वन रहेगा, ये हम लोग 19th में भी किए थे और फिर इस बार भी ला रहे हैं। आइए दिए जलाएं, इस दिवाली घर के हर कोने को रोशनी से जगमगाएं और अंधेरे को दूर भगाएं। हर घर को मजबूत और रोशन करें इस दिवाली पर सिर्फ टफकॉन के साथ। शुभ दिवाली टफकॉन, द ओनली सील फॉर टफ कंस्ट्रक्शन।